सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ही किससे बता रहा है कि महीना ख़त्म होने से पहले मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए। यानी कहीं जॉब करता है, महीने में सैलरी आती है, लेकिन क्या हुआ कि महीना हुआ नहीं और इसके पास पैसे ख़त्म हो गए। तो बता रहा है कि आई हैव रन आउट ऑफ मनी, यानी मेरे पास पैसा ख़त्म हो गया बिफोर द एंड ऑफ द मंथ, महीना ख़त्म होने से पहले। आई हैव रन आउट ऑफ मनी बिफोर द एंड ऑफ द मंथ, महीना ख़त्म होने से पहले मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए। आगे बता रहा है कि मेरी तनख्वाह में 10 दिन बाकी हैं और मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब देखो, जब भी हम कहते हैं कि इतने दिन बाकी है मेरी सैलरी आने में, तो हम कह सकते हैं कि इट्स 10 डेज अंटिल माई सैलरी अराइव्स। इट्स 10 डेज अंटिल माई सैलरी अराइव्स, यानी मेरे पैसे आने में 10 दिन हैं। एंड आई एम आउट ऑफ कैश, और मेरे पास कैश नहीं है, यानी पैसे ख़त्म हो गए। इट्स 10 डेज अंटिल माई सैलरी अराइव्स एंड आई एम आउट ऑफ कैश, मेरी तनख्वाह में 10 दिन बाकी हैं और मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं तुमसे कुछ पैसे उधार लेने के बारे में सोच रहा हूँ। किसी से सोचना, इसके लिए थिंक का तो हम यूज़ करते हैं, लेकिन हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आई एम कंटम्प्लेटिंग बोरोइंग सम मनी फ्रॉम यू। कंटम्प्लेट करना, इसका मतलब होता है कि सोचना, विचार करना। तो आई एम कंटम्प्लेटिंग, यानी मैं विचार कर रहा हूँ बोरोइंग सम मनी फ्रॉम यू, तुमसे कुछ पैसा उधार लेने के बारे में। आई एम कंटम्प्लेटिंग बोरोइंग सम मनी फ्रॉम यू, मैं तुमसे कुछ पैसा उधार लेने के बारे में सोच रहा हूँ। आप ऐसे भी कह सकते हो कि आई एम थिंकिंग अबाउट borrowing some money from you. I'm thinking about borrowing some money from you. मैं तुमसे कुछ पैसा उधार लेने के बारे में सोच रहा हूँ। आगे बता रहा है कि मेरे फालतू के खर्चे बहुत हो रहे हैं, यानी मेरे जो पैसे ख़त्म हो गए सैलरी आने से पहले, वो इसलिए हुआ है क्योंकि मेरे फालतू के खर्चे बहुत हो रहे हैं, यानी मैं फालतू की चीज़ों पर बहुत खर्चा कर रहा हूँ। इंग्लिश में बोलेंगे आई एम स्पेंडिंग टू मच ऑन अननेसेसरी एक्सपेंसेस। आई एम स्पेंडिंग टू मच ऑन अननेसेसरी एक्सपेंसेस, जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं उन पर मेरा बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा हूँ। आई एम स्पेंडिंग टू मच ऑन अननेसेसरी एक्सपेंसेस, मेरे फालतू खर्चे बहुत हो रहे हैं। सिर्फ बोल सकते हैं कि आई एम ओवर स्पेंडिंग ऑन नॉन इसेंशियल आइटम्स। जो नॉन इसेंशियल आइटम्स हैं, यानी जिनकी मुझे ज़रूरत भी नहीं, मैं उन पर पैसे स्पेंड कर रहा हूँ, इसलिए मेरा बहुत फालतू खर्चा हो रहा है। आई एम ओवर स्पेंडिंग, तो यहाँ पर हम कैसे बोल रहे हैं, आई एम ओवर स्पेंडिंग, मैं ज़्यादा स्पेंडिंग कर रहा हूँ ऑन नॉन इसेंशियल आइटम। नॉन इसेंशियल आइटम जो होते हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं होती उन पर। मैं अपने फालतू के खर्चों को कम करने के बारे में सोच रहा हूँ। इंग्लिश में बोलेंगे आई एम थिंकिंग अबाउट रिड्यूसिंग माई अननेसेसरी एक्सपेंसेस। आई एम थिंकिंग अबाउट रिड्यूसिंग, रिड्यूस करना, रिड्यूसिंग कम करना। आई एम थिंकिंग अबाउट रिड्यूसिंग माई अननेसेसरी एक्सपेंसेज, जो मेरे अननेसेसरी एक्सपेंसेज हैं मैं उन्हें कम करने के बारे में सोच रहा हूँ। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि आई एम थिंकिंग अबाउट कटिंग डाउन ऑन माई अननेसेसरी एक्सपेंसेस। जो मेरे अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं, फालतू खर्चे हैं, उनको मैं कट डाउन करने के बारे में सोच रहा हूँ, यानी कम करने के बारे में सोच रहा हूँ। तो यहाँ पर कट डाउन कम यूज़ करेंगे। आई एम थिंकिंग अबाउट कटिंग डाउन ऑन माई अननेसेसरी एक्सपेंसेस। एक तो मेरे खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, दूसरा मेरी सैलरी कम है। अब इसे इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, वन हैंड बता रहा है कि ऑन वन हैंड माई एक्सपेंसेस आर इंक्रीजिंग। एक तरफ तो मेरे जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, मेरे खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं। ऑन वन हैंड माई एक्सपेंसेस आर इंक्रीजिंग एंड ऑन अदर हैंड माई सैलरी इज़ लो, और दूसरी तरफ जो मेरी सैलरी है वो कम है। या तो मुझे जॉब चेंज करनी होगी या एक पार्ट टाइम नौकरी ढूंढनी होगी। इस इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, आई ईदर नीड टू चेंज माई जॉब और फाइंड अ पार्ट टाइम जॉब। कैसे इंग्लिश में बोल रहे हैं, ईदर का यूज़ कर रहे हैं, आई ईदर नीड टू चेंज माई जॉब और फाइंड अ पार्ट टाइम जॉब। हम यहाँ पर इस तरीके से बोल रहे हैं ना, या तो मुझे करना होगा या ये करना होगा, बता रहे हैं कि या तो मुझे जॉब चेंज करनी होगी या एक पार्ट टाइम नौकरी ढूंढनी होगी। आई ईदर नीड टू चेंज माई जॉब और फाइंड अ पार्ट टाइम जॉब। हम ऐसे बोल सकते हैं कि आई हैव टू इधर स्विच माई जॉब। जॉब चेंज करने के लिए हम चेंज का यूज़ करेंगे, स्विच का। तो आई हैव टू इधर स्विच माई जॉब, या तो मुझे अपनी जॉब स्विच करनी होगी, चेंज करनी होगी, और सर्च फॉर अ पार्ट टाइम जॉब या एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढनी होगी। यहाँ बता रहा है कि आई हैव टू इधर स्विच माई जॉब और सर्च फॉर अ पार्ट टाइम जॉब। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी अगर तुम मेरे लिए एक पार्ट टाइम काम ढूंढ सको। कह रहा है कि मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी अगर तुम मेरे लिए एक पार्ट टाइम काम ढूंढ सको, जॉब ढूंढ सको। तो इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, इट वुड बी वेरी काइंड ऑफ यू। जब भी हम किसी से कहते हैं कि तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी, इट वुड बी वेरी काइंड ऑफ यू इफ़ यू कुड फाइंड सम पार्ट टाइम वर्क फॉर मी। अगर तुम मेरे लिए कोई पार्ट टाइम काम ढूंढ लो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। इट वुड बी वेरी काइंड ऑफ यू इफ़ यू कुड फाइंड सम पार्ट टाइम वर्क फॉर मी।
इट वुड बी वेरी काइंड ऑफ यू इफ़ यू कुड डू दिस फॉर मी। अब आगे कह रहा है कि बड़ी मेहरबानी होगी अगर तुम मेरे लिए ऐसा कर सको, यानी मेरे लिए अगर तुम ऐसा करोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। इट वुड बी वेरी काइंड ऑफ यू इफ़ यू कुड डू दिस फॉर मी। इट वुड बी वेरी काइंड ऑफ यू इफ़ यू कुड डू दिस फॉर मी। अगर तुम मेरे लिए ऐसा कर सको तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। इट वुड बी वेरी काइंड ऑफ यू इफ़ यू कुड डू दिस फॉर मी। ये भी इस स्ट्रक्चर का यूज़ हुआ है। यहाँ पर भी हम ऐसे बोल रहे हैं कि इट वुड बी वेरी काइंड ऑफ यू इफ़ यू कुड फाइंड सम पार्ट टाइम वर्क फॉर मी। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी अगर तुम मेरे लिए कोई पार्ट टाइम काम ढूंढ सको। मैं इसे बहुत अप्रिशिएट करूँगा अगर तुम मेरे लिए पार्ट टाइम नौकरी ढूंढने में मदद कर सको। अब आगे मदद की बात चल रही है, कह रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा, यानी जो तुम्हारे जो काम है इसको मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा, यानी इसकी तारीफ करूँगा, इसकी सराहना करूँगा अगर तुम मेरी पार्ट टाइम नौकरी ढूंढने मदद कर सको। आई वुड ग्रेटली अप्रिशिएट इट इफ़ यू कुड हेल्प मी फाइंड अ पार्ट टाइम जॉब। आई वुड ग्रेटली अप्रिशिएट इट इफ़ यू कुड हेल्प मी फाइंड अ पार्ट टाइम जॉब। अगर तुम मेरे लिए पार्ट टाइम जॉब ढूंढने मेरी मदद कर सको तो मैं काफ़ी अप्रिशिएट करूँगा। मैं शहर में नया हूँ इसलिए मुझे इस जगह के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता। ये यहीं काम करने आया भी तो इस शहर के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो बता रहा है कि आई एम न्यू टू दिस सिटी। कैसे हम बोल रहे हैं, आई एम न्यू टू दिस सिटी, यानी मैं शहर में नया हूँ। आई डोंट नो मच अबाउट इट, तो इसलिए मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं जानता, इस शहर के बारे में ज़्यादा नहीं जानता। आई एम न्यू टू दिस सिटी, मैं शहर में नया हूँ, सो आई डोंट नो मच अबाउट इट, तो मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं जानता। ऐसे बोल सकते हैं कि आई हैव जस्ट अराइव्ड इन दिस सिटी, मैं बस शहर में आया हूँ, एंड आई एम नॉट फेमिलियर विद इट, तो मैं इससे ज़्यादा फेमिलियर नहीं हूँ, परिचित नहीं हूँ इस शहर से ज़्यादा, क्योंकि आई हैव जस्ट अराइव्ड इन दिस सिटी, मैं शहर में आया हूँ। आई एम नॉट फेमिलियर विद इट, मैं इससे फेमिलियर नहीं हूँ, मुझे शहर के बारे में ज़्यादा नहीं पता। लेकिन तुम तो यहाँ बचपन से रहती हो, तुम्हें तो यहाँ के बारे में बहुत कुछ पता होगा। कह रहा है कि बट यू हैव बीन लिविंग हेयर सिंस चाइल्डहुड, बहुत समय से रह रही है, तो हम हैव बीन का बता रहे हैं ना, तुम तो रहती आ रही हो यहाँ पर, यानी बचपन से रह रही हो। यू हैव बीन लिविंग हेयर सिंस चाइल्डहुड, तुम तो यहाँ बचपन से रह रही हो, सो यू मस्ट नो अ लॉट अबाउट दिस प्लेस, तो तुम्हें तो इस जगह के बारे में बहुत कुछ पता होगा। मस्ट नो का यूज होगा यहाँ पर, मस्ट का। बट यू हैव बीन लिविंग हेयर सिंस चाइल्डहुड, सो यू मस्ट नो अ लॉट अबाउट दिस प्लेस, तुम तो यहाँ बचपन से रह रही हो, तुम्हें तो शहर के बारे में बहुत कुछ पता होगा। या ऐसे बोल सकते हैं कि सिंस यू हैव लिव्ड हेयर सिंस चाइल्डहुड, क्योंकि तुम यहाँ बचपन से रही हो, यू आर प्रोबेबली वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस प्लेस, तो तुम इस शहर के बारे में काफ़ी इन्फॉर्म होगी, काफ़ी जानकारी होगी, क्योंकि तुम यहाँ बचपन से रही हो। या तो तुम मेरी मदद करो या मुझे किसी ऐसे के बारे में बताओ जो कर सके। या कह रहा है कि या तो तुम मेरी मदद करो या किसी ऐसे के बारे में बताओ जो मेरी मदद कर सके। इधर हेल्प मी और टेल मी अबाउट समवन हु कैन, देखो यहाँ पर भी या का यूज़ हुआ, या तो तुम करो या किसी के बारे में बता दो जो कर सके। इधर हेल्प मी और टेल मी अबाउट समवन हु कैन, इधर हेल्प मी और टेल मी अबाउट समवन हु कैन, या तो तुम मेरी मदद करो या मुझे किसी के बारे में बता दो जो कर सके। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।